तुझे करके दिखा दूंगा। मुझे डरती नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो तो मुझसे डरना पड़े। देखो मेरी दीवानगी, देखो मेरा प्यार, तुम शायद मुझे अपना दोस्त समझती हो, लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीरा कैसी है? माँ आपने हया के साथ क्या किया? मेरे सामने उस मनुष्य का नाम मत लो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मीरा कैसी। माँ डॉक्टर अभी अंदर है। और मुर्तसिम? भाई बेचारे पुलिस को हैंडल कर रहे हैं। मेरे खुदा है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, और अगर है तो उससे पहले मेरी दोस्त है। और भागते भागते माँ बेगम हम यहाँ सीढ़ियों तक आ गए। मैं सीढ़ियों के ऊपर चली गई, वो फोन लेने सीढ़ियों के ऊपर आ रही थी। मैंने उसे मना भी किया कि तुम्हारे पैरों पे तेल लगा है, मत आ ऊपर, मैं तुम्हें फोन देने नीचे आती हूँ, लेकिन वो रुकी ही नहीं। और भैया बकवास बंद कर दो, अब बहुत हो गई। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में पिरसी मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के कॉल आ रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोककर और इसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो, लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान, जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठ कर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न केले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के कॉल आ रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोककर और इसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो, लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान, जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठ कर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न केले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के कॉल आ रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोककर और इसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझ
सोचती हो, लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों
मियाँ के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काल आ रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसके ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न केले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काल आ रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसके ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न केले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काल आ रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसके ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न केले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काल आ रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने
घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार। और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और
और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है, जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान, जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है, जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान, जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है, जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान, जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैसे कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना
बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोककर और इसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोककर और इसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोककर और इसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी घंटी भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देखकर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोककर और इसका हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और
और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीरब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर टैक्सी में बैठ कर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीरब टैक्सी में बैठ कर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना
बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीर के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीर अब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीर अब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीर अब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से कोई कील न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसकी ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है कि मीर अब टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं मलक जुबेर पैर से
को यकीन न के ले। आखिरकार वो अपने आदमियों के साथ मीरब के दोस्त रहील के घर में चला जाता है। मुर्तसिम और इसके असलाहदार आदमियों को देख कर तो मीरब के आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुर्तसिम खान को बताती है कि मीरब यहाँ पर नहीं आई है। तो मुर्तसिम पूछता है कि शादी से पहले पता नहीं था, तो जवाब में फिर से मीरब वो शादी वाले दिन का जुमला दोहराती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिसमें मुझसे डरना पड़े। यहाँ कराची में भी सबके सामने बैठकर मीरब को बार बार रोहिल के काला रही है, तो मीरब भी बहाना बनाकर वहाँ से फौरन उठ जाती है और रोहिल से मिलने के लिए और उसको समझाने के लिए वो टैक्सी में जा रही होती है। जब रोहिल इसका गाड़ी रोक कर और इसका हाथ पकड़ कर अपने घर में लेकर जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी दीवानगी और देखो मेरा प्यार, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझको अपना दोस्त समझती हो लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो। मीर पर दीवार पर लगी हुई तस्वीर इसको देखा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मीर भी इसके ये तस्वीरें देख कर बहुत ही ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी इसके लिए परेशान। जब इसे पता चलता है की मीर टैक्सी में बैठ कर कहीं चली गई है और इतनी गिनती भी गुजर चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि